हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और क्योंकि आज हमारा है तीसरा दिन यहाँ पर, और अब हम जा रहे हैं कावर उठाने। और टाइम हो रहा है 4:44 और हम यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, फिर भी चल रहे हैं। बस पहुँच जाएँ, आज सोच यही है कि हम जल्दी पहुँच जाएँ। देखते हैं आज अगर शाम तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये देखना है। चलो आगे का मैं दिखाती हूँ आपको। सो अभी बज रहे हैं 5 और देखो उजाला हो रहा है। और अभी हम चल रहे हैं, देखते हैं कब तक चलते हैं। चलो मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ, हमारे पीछे तो देख ही रहे लोग आ रहे हैं। और अभी हम हैं सुइया पहाड़ पर, सुइया पहाड़ क्रॉस होने वाला है जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो अब हमें जाना है वहाँ। देखो सबसे टफ इनका होता है जो लेट के चलते हैं। देखो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे वहाँ जाना है ऐसे करके। बाकी सब लोग आगे चले गए, हम हैं देखो कैसे चल रहे हैं। तो अब हमें जाना है ऐसे 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 वहाँ। और सुबह हो रही है और ये दोनों आगे जा रहे हैं। सुजीत सुजीत क्या देखो कितना अच्छा रास्ता है, और दोनों तरफ खेत है, अच्छे नेचर। यहाँ का व्यू और बहुत अच्छा है, जो हमें देखने को नहीं मिलता दिल्ली में कभी भी। तो हम चल रहे हैं और अभी हमें उस मोड़ से लेफ्ट होना है और हमें वहाँ जाना है। वो देखो आप देख रहे होगे कोरी पर, वहाँ जाना है। और अभी ये है सुइया पहाड़, देख लो यहाँ का व्यू। लोग बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, हम भी पीछे हैं, हम भी सबसे पीछे चल रहे हैं, बाकी सब लोग आ गए। सुजीत सुजीत देखो दोनों इग्नोर कैसे कर रहे हैं मुझे। देखो गाइस यही दोनों हैं यही। इसमें से हम निकल के जा रहे हैं, कीचड़ है यहाँ पर बहुत। कीचड़ नहीं है एक्चुअली, बारिश हुई थी रात में तो वही है जिसके चलते हम जल्दी रुक गए थे, जो मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में दिखाई चुकी हूँ। अब देखो ऐसे चढ़ना हमें, देखो पत्थरों पे चढ़ के चलना पड़ रहा है। देखो वो दोनों जा रहे हैं ऐसे कि हमें जानते ही नहीं है। ये है सुइया पहाड़ का जंगल देखो, और ये है जंगल, पूरा जंगल ही जंगल। देखो दूर दूर तक सिर्फ पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ ही पेड़। और अभी हम हैं सुइया पहाड़ के जंगल में, देख लो चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ और मेरे पीछे अंकल और आंटी चल रहे हैं।
और बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, और अभी हो रहे हैं 5:30। बोल बम। देखो चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़। बोल बम। देखो अभी हम वहाँ से उतर के आए हैं, और ये है पूरा जंगल। ये देखो देखो यहाँ का रास्ता, हमें ऐसे 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 करके वहाँ जाना है। आप देख ही सकते हो रास्ता यहाँ का बहुत अच्छा है। अगर कोई एक बार पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर तो उसका मन करेगा हमेशा आने का। बेशक थक जाते हैं पर बोले बाकी इतनी शक्ति होती है कि महसूस नहीं होता। हाँ भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवघर है 39 किलोमीटर, अभी हमें 39 किलोमीटर और चलना है। और देखो यहाँ का व्यू। सब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे चलकर, और अभी हमें 39 किलोमीटर चलना है, इसलिए हम अब आए हैं यहाँ पर चाय पीने। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15, और मैं तो पी रही हूँ जूस, बाकी सब लोग पी रहे हैं चाय। लो चाय ले लो। लो अंकल चाय। सो अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं और इस जगह पे आके बैठे हैं। ये कोई एक धर्मशाला है जिसमें हम बैठे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का कैसा है। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है। अगर आपका पैर दर्द हो रहा है तो आप ना मतलब दवाई वगैरह ले सकते हो, और भी बहुत चीज़ें हैं, पर मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। चलो पीछे का दिखाती हूँ आपको, और बाकी सब लोग वहाँ हैं वहाँ पर। और आप बच्चे का यहाँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ आराम से। और ये है मेडिकल, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है। अब हम वहाँ जाएंगे। और ये है मेन रोड जिससे अब हम कनेक्ट हो गए, लेकिन थोड़ी देर से गया। रेलवे लाइन, यह है रेलवे लाइन यहाँ की। यह है पानी गिराने वाला, ताकि पैरों को ठंडा रहे। एक बार और कोशिश करो, बोलिए सच्चे दरबार की। झारखंड के पूर्व पहुंच गए, एक कोशिश और करना है। अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया, वो भी उठाई कैसे? बिल्कुल झकार हो, बिल्कुल ऐसा ही हो। बोलिए शंकर भगवान की।
और चलना है। और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो यहाँ पर आ गए रिलैक्स होने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सिंगर आए हैं जो यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, उसको देखो क्या कर रहे हैं पीछे। और अभी हमें 25 किलोमीटर और चलना है। और चलो मैं आपको दिखाऊंगी आगे का कैसे हम चलते हैं कैसे नहीं चलते, ठीक है। ये देखो मौसम, बादल गरज रहा है, मौसम यहाँ का ऐसे चुटकी में चेंज हो रहा है। अभी धूप थी और अब हो गया है छाँव, मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया है। चलो बढ़िया है कि बारिश जैसा मौसम हो गया है और अच्छा भी है। और अभी हमें चलना है। हे गाइस, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बारिश हो रही है यहाँ पर, और बारिश के चलते हम इस जगह पे रुक गए हैं। आप देख ही सकते हो पीछे ये सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश के चलते हम रुके हुए हैं। मैं पीछे का दिखाती हूँ कि पीछे कैसी हो रही है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है बहुत। और अभी हमें 22 किलोमीटर और चलना है बाबा धाम के लिए, और 7 किलोमीटर पे गुड़ियारी नदी आएगी, उसे हमें पार करना है। तो ठीक है, चलो मैं आपको पीछे का दिखाती हूँ। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और बारिश में भी लोग चल रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ बारिश बारिश बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। देखो लोग आ रहे हैं फिर भी चारों तरफ बारिश। और अभी एक घंटे पहले पूरी इतनी तेज़ धूप थी और अब देखो बारिश, लोग कैसे जा रहे हैं देखो। 1 किलोमीटर बचा है गुड़ियारी जाने को, पहुंचने वाले हैं हम गुड़ियारी नदी, 1 किलोमीटर। हे गाइस, सो फाइनली हम गुड़ियारी नदी पहुंच चुके हैं। देखो कितना ज़्यादा पानी है, तो इसलिए हम पुल में से जा रहे हैं, पुल पे से जा रहे हैं, और बाकी लोग उसके अंदर से जा रहे हैं। हम वैसे भी ऑलरेडी भीग चुके हैं, और देखो कितना रात हो गया। हम वेट कर रहे थे कि कब बारिश बंद हो और हम जाएं, फिर भी हम भीग चुके हैं बारिश में, आधे से ज़्यादा ही भीग चुके हैं हम, हमारे कपड़े पूरे गीले हैं। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं, और देखो आप देख ही सकते हो कितना सारा पानी है इसके अंदर, इसलिए हम इसके अंदर से ना जाके पुल के ऊपर से जा रहे हैं। देखो आपको अंधेरे में दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको वीडियो में भी दिख जाएगा कि बारिश हो रही है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है, पानी का प्रेशर देखो कितना तेज़ है। तो फाइनली हमने गुड़ियारी नदी पार कर ली, और पार करके अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, और अब हम जा रहे हैं सोने। और रात के 9 बज के अभी हम सुबह, आपको मैंने टाइम दिखाई थी 4:30 हो रहे थे तब से, और कंटिन्यू हमने चलाई थी, और अब रात के 9 बज रहे हैं, और अब हम यहाँ पे सोएंगे और सुबह चलेंगे। 15 किलोमीटर और चल रहे हैं, 15 या 16 किलोमीटर और चल रहे हैं मंदिर तक, देखते हैं कल पूरा होगा कि नहीं। और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे सो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए, और अब यहीं पर ही रहेंगे सुबह तक, उसके बाद सुबह जल्दी उठेंगे और चले जाएंगे यहाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है सो इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आप कल देखना, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।